प्यारे बच्चों, आप सबका सत्र 2021-2022 में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 5 की पहली हिंदी कक्षा में आपको हिंदी अध्यापिका की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। परमेश्वर आपको अच्छी सेहत और बुद्धि प्रदान करें, ताकि आप जीवन में आने वाली सभी चुनौतियों को स्वीकार कर सकें और कक्षा 5 में मिले सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख 5 के पहले पाठ कविता एक बनेंगे नेक बनेंगे का वाचन करेंगे तथा कविता के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। एक बनेंगे नेक बनेंगे, मानव की धरती प्यासी है, फूलों का उपवन वासी है, ऊंचे उठ उठ बादल बनकर रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। प्यारे बच्चों, मानवता का पाठ्य यही है कि हमें एक बनकर रहना चाहिए और हमें नेक ही बनना चाहिए। ये जो भगवान ने हमारे लिए धरती बनाई, ये मानवता की अच्छे इंसानों की प्यासी है। आप सुंदर उपवन देखते हैं, अगर उसमें फूल ना हो तो वो उपवन उपवन नहीं लगता। तो उपवन में जो फूल हैं वो वहाँ रहते हैं और वहाँ के वासी हैं। ऊंचे उठ उठ बादल बनने का अर्थ है कि हमें हमेशा ज़िंदगी में ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने हैं और हमेशा अपने आप को ऊपर की ओर उठाना है, जिस प्रकार बादल ऊपर ऊपर उड़ते हैं। रिमझिम का अभिषेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। कवि का भाव ये है, कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें अच्छे इंसान बनना है, जिस प्रकार भगवान की बनाई हुई सृष्टि हमें सुख प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें अच्छे बनकर नेक बनकर और आपस में एकता बनाकर इस संसार को अच्छा बनाना है। जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं, उनके मन का हटा अंधेरा, हम सिंदूरी रेख बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। प्यारे बच्चों, ये जीवन जो है हमारा कठिनाइयों से भरा है, पग पग पर हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम कई कार्यों को करने में बड़ी मुश्किल का सामना हमें देखने को मिलता है और हम रास्ता भटक जाते हैं। तो हमें ऐसे इंसान बनना है, इतने अच्छे इंसान बनना है और इतनी हिम्मत वाले इंसान बनना है कि जो पथ में मतलब रास्ते में भटक जाते हैं उनको रास्ता दिखाना है, जो अटक जाते हैं उनकी सहायता करनी है, जिनके मन में अंधेरा छा जाता है उनकी सहायता करनी है। एक अच्छे इंसान बनना है और नेक बनना है, और नेक हम तभी बनेंगे जब हम सब मिलकर रहेंगे। कहने का अर्थ है कि हम एक बनेंगे तभी हम नेक बनेंगे। रवि सा चलना, हिमसा गलना, हम सबको दीपक सा जलना, गीतों से दुनिया को भरने, मोर पपीहा भेक बनेंगे, एक बनेंगे नेक बनेंगे। प्यारे बच्चों, आप सुबह जब उठते हैं तो सूर्य किस प्रकार आपको चमकती ही रोशनी दिखाकर उठने के लिए प्रेरित करता है, और फिर दिन भर चलते 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 धीमी धीमी गति में आगे की ओर बढ़ता है। हिमालय से जब पानी पिघलता है, हिमालय जब गलता है, तो ठंडा ठंडा पानी जब हिमालयों से निकलता है तो उस पानी का हम सेवन करते हैं और पानी पीकर ठंडक अपने आप को महसूस करते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। और दीपक जो है वो जलकर अंधेरों को दूर करता है और हमें रोशनी प्रदान करता है। सुबह जब उठते हैं हम तो पक्षियों की चहचहाट जो है इतनी मधुर हमें लगती है, हमारे कानों को भाती है और बहुत ही जीवन जो है वो मधुर हो जाता है। बिल्कुल उनकी तरह हमें बनना है, अच्छा इंसान और नेक इंसान और एक बनना है। अपनी जननी विश्व भारती, जिस देश में भी हम रहते हैं, हमारा प्यारा सा देश भारत,
वहाँ पर हमने मिलजुल कर रहना है और अपने देश की आरती करनी है, एक नया संसार बनाना है जिसमें मानवता हो, प्यार हो, भाईचारा हो, उस प्रकार के देश के बनाने का हमारा सपना है और होना चाहिए। भाई हम प्रत्येक बनेंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता से हमें कवि ने यह कहने का प्रयास किया है और कवि का नाम है परमेश्वर ग्रेफ, और वो ये कहते हैं कि हमें एक बनना है, नेक बनना है, प्यार से रहना है और सबकी सहायता करनी है। इस उद्देश्य को समझाते हुए कवि ने इस कविता को आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये कविता पढ़कर इसका बहुत ही आनंद अनुभव होगा और इसको जब आप पढ़ेंगे, इसकी पंक्तियाँ जो हैं वो आपके समझ में आ जाएंगी, आपके दिल को छू लेंगी और आप दिल से चाहेंगे कि हम नेक बनेंगे और नेक बनेंगे, क्योंकि जब हम नेक होते हैं तो लोगों को हमसे सुख प्राप्त होता है और जब आप किसी को सुख की अनुभूति देते हो तो आपको खुद को एक बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम इंसान हैं। इंसान वही है जो नेक हो और एकता में विश्वास रखे। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका दिन शुभमय हो, मंगलमय हो। अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।